चीन की राह पर चल रहे नेपाल ने अब भारत के सड़क और बांधों के बनाने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने तर्क दिया है कि भारत के सड़क और बांध बनाने से उसके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि नेपाल से आए पानी के कारण बिहार के कई हिस्से जलमग्न हैं। वहीं गंडक और कोसी नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के समाचार पत्र कांतिपुर के मुताबिक ओली सरकार ने भारत को बकायदा राजनयिक पत्र भेजकर सड़क और बांध निर्माण पर आपत्ति जताई है। अखबार ने नेपाल के सिंचाई मंत्रालय के सचिव रविन्द्र नाथ श्रेष्ठ के हवाले से लिखा कि नेपाल विदेश मंत्रालय ने इस मामले में भारत को डिप्लोमेटिक नोटिस भेजकर आपत्ति जताई है। वहीं हर साल दोनों देशों के बीच होने वाले बाढ़ और जल प्रबंधन की संयुक्त समिति की बैठक को जल्द आयोजित करने की अपील की गई है। अखबार से नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भरत राज पौड्याल ने कहा कि डिप्लोमेटिक नोट दोनों देशों के बीच किसी जरूरी मुद्दे को लेकर दिया जाता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, दोनों देश किसी भी मुद्दे को लेकर आपसी बातचीत के जरिए हल करने में सक्षम है।